कोई भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के टाइम पे ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही उस ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम लोग परफेक्ट शेप को कैप्चर कर पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं। सो इसलिए पहले ड्राइंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। सो आज मैं यहाँ पर एक लोटस ड्रॉ करेंगे, इसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे मेन पार्ट। सो पहले सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ओके अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका ऑब्वियसली पहले स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो बिल्डिंग नहीं खड़ा हो सकता है। सो ऐसी ही ड्राइंग के टाइम पे भी अगर स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया तो उसका ड्राइंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका रियल शेप नहीं आएगा और ड्राइंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो ड्राइंग करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले उसको पहले सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लेना है, कौन सी शेप पे उसको डिवाइड कर सकते हैं वो देखना है। पहले डिफरेंट शेप पे उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके फिर उस ऑब्जेक्ट का शेप को ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ ड्राइंग ही दिखा रही हूँ कैसे करना है। अगर ये ड्राइंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली पूछना कमेंट पे। ऐसी जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करने के लिए सोचते हैं, सब ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कुछ शेप में ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके फिर ड्रॉ करना स्टार्ट करने पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को कैसे लाइन से कैसे शेप से डिवाइड कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, ड्राइंग में बिगिनर्स हैं, उन लोगों के ऑब्वियसली ऐसे ही शेप पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। वो डायरेक्ट ड्रॉ ना करके शेप पे फोकस करके शेप को बहुत अच्छे से ड्रॉ करके इसके बाद ही ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा शेप प्रैक्टिस करना चाहिए, लाइक सर्कल, लाइंस, इलिप्स, डिफरेंट शेप को बहुत अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शेप अगर परफेक्ट बनाना आ जाए तो कोई भी ड्राइंग बहुत इजी से बहुत कम टाइम पे कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो शेप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है सबके लिए। जो बिगिनर्स है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे आप लोग शेप को ड्राइंग करना प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज शेप्स ड्राइंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब के लिए। सिर्फ शेप प्रैक्टिस करने के टाइम पे लग सकता है ये तो कोई ड्राइंग ही नहीं है, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है, पर नहीं, शेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक है। बेसिक अगर क्लियर हो जाए कोई भी बच्चे के लिए ड्राइंग करना बहुत आसान हो जाएगा। सो सब बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करो और शेप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो।